स्वागत है आपका इंडिया वार्स के बिल्कुल नए एपिसोड में। कोविड 19 के आउटब्रेक के बाद से चीन में स्थित बहुराष्ट्रीय कंपनियों में चीन के प्रति बहुत गुस्सा है और अब वो चीन से हटकर एक नया विकल्प देखना चाह रही हैं अपने कंपनी के सेटअप के लिए। ऐसे में इंडिया में ग्लोबल कंपनियों के इन्वेस्टमेंट की संभावना कैसे बढ़ती जा रही है, सरकार इसके लिए क्या तैयारी कर रही है और आने वाले समय में इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट की कितनी संभावना बढ़ सकती है, ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी रितेश सिंह के साथ आज के एपिसोड में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का सीधा फर्क कहीं ना कहीं रियल एस्टेट पर भी पड़ता है। और आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब का आइकन प्रेस करें और बेल का आइकन भी दबाएं जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। आते हैं आज के एपिसोड पर। कोरोना वायरस के संकट के बाद से बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनियां अपने प्रोडक्शन और सप्लाई चेन के लिए सिर्फ एक स्थान यानी कि चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहती, वो चीन से बाहर अपने लिए नया विकल्प ढूंढती जा रही हैं। ऐसी लगभग 1000 कंपनियां जो चीन से बाहर निकलना चाहती हैं वो भारत में यानी कि इंडिया में अपना सेटअप स्थापित करने के लिए लगातार संपर्क में हैं। इनमें से 300 कंपनियां मोबाइल, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मेडिकल डिवाइस, लेदर, ऑटो पार्ट्स और सिंथेटिक फैब्रिक्स के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। सरकार इन कंपनियों के साथ बातचीत करने के लिए राज्य, केंद्र और राजनयिक स्तर पर कई ग्रुप बना चुकी है। इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है जहां लैंड बैंक और लेबर दोनों मिल सकती है, क्योंकि सरकार ने सभी बड़ी कंपनियों से कहा है कि अगर वे चीन से निकलकर अपनी फैक्ट्रियों का बेस उत्तर प्रदेश में शिफ्ट करती हैं तो उन्हें मन मुताबिक सहूलियतें दी जाएंगी। योगी सरकार इसलिए भी कॉन्फिडेंट है क्योंकि जीवन में एयरपोर्ट और प्रदेश में हाईवे के बढ़ते नेटवर्क से इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं खलेगी। सरकार इसके लिए पॉलिसी को भी ठीक कर रही है जिसमें प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी PLI इंसेंटिव भी शामिल है, और सब कुछ अगर सही जाता है तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट के अलावा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर अतिरिक्त नौकरियां भी पैदा होंगी। PLI और एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम लास्ट में बताएंगे, उससे पहले आपको ये बता दें कि जापान, अमेरिका, साउथ कोरिया और इस तरह की बहुत सारी कंपनियां अपने रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग के लिए चीन पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं और ये निर्भरता अब उनके लिए घातक बनती जा रही है। इसलिए बहुत से देश चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। जापान ने चीन से अपनी फैक्ट्री को हटाने के लिए 2.2 अरब डॉलर की मदद देने की योजना बनाई है, जबकि यूरोपीय संघ के देशों ने चीन पर अपनी आत्मनिर्भरता कम करने की योजना बनाई है और इंडिया, वियतनाम और ताइवान इनकी लिस्ट में है। सरकार ने इस बारे में ऐसी लगभग 1000 MNC के साथ बातचीत की है जिनकी चीन में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और जो वहां से बाहर निकलना चाहती हैं। इन कंपनियों में फेडेक्स, UPS, सिस्को, एडोब, लॉकहीड मार्टिन, हनीवेल, बॉस्टन साइंटिफिक आदि शामिल हैं। दुनिया की सबसे बड़ी दिग्गज मोबाइल कंपनी एप्पल अब 20% काम को भारत में लाने की तैयारी में है। उम्मीद है कि एप्पल भारत में अपने कॉन्टैक्ट मैन्युफैक्चरर्स वेस्टर्न और फॉक्सकॉन के जरिए अगले 5 साल में प्रोडक्शन बढ़ाकर 40 अरब डॉलर यानी लगभग 3 लाख करोड़ रुपए तक करेगा और इस प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा पार्ट एक्सपोर्ट किया जाएगा। डोमेस्टिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर यानी घरेलू उपकरण निर्माता कंपनी लावा इंटरनेशनल भारत सरकार द्वारा हाल ही में की गई कई घोषणाओं और नीतिगत बदलावों के बाद चीन में चल रहे अपने कामकाज को भारत में शिफ्ट करने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने देश में अपने मोबाइल फ़ोन के विकास और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों में 800 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बना रखी है। पुरुषों और महिलाओं के लिए ऑर्थोपेडिक फुटवेयर बेचने वाली जर्मन फुटवेयर ब्रांड वॉन वेलक्स ने अब चीन में अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस प्लांट को बंद करके उसे भारत में शिफ्ट करने का फैसला किया है। कंपनी का प्लांट उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में लगाया जाएगा और आईट्रिक इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से जर्मन कंपनी यहाँ ये काम करेगी। भारत को उम्मीद है कि वह चीन से हेल्थ केयर प्रोडक्ट और डिवाइसेस बनाने वाली अमेरिकी कंपनियों को भारत लाने में सफल होगा। इसके लिए मेट्रॉनिक PLC और अबॉट लैबोरेटरीज को चीन से बाहर लाने के लिए बातचीत की जा रही है। मेट्रॉनिक व अबॉट पहले से ही भारत में हैं और इन्हें चीन से अपना प्लांट भारत लाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा सरकार का उद्देश्य है कि चीन से महत्वपूर्ण प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर निर्भरता कम की जाए। इसके लिए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी API जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल को देश में बढ़ाने और उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है। देश की कई ऑटोमोबाइल कंपनियां भी चीन से बड़े पैमाने पर ऑटो कंपोनेंट्स का इम्पोर्ट करती हैं जो देश में अपना एक नया विकल्प खोज रही हैं। साउथ कोरियन कार कंपनी हुंडई इलेक्ट्रिक भी अपने कई पार्ट्स भारत में बनाने पर विचार कर रही है जो पहले चाइना में बनाती थी और इसमें बैटरी पार्ट्स भी शामिल हैं। यह इंडिया में अपनी सब्सिडियरी कंपनी हुंडई मोटर इंडिया के जरिए ऑपरेट करती है। चीन से भारत आने वाली कंपनियों के लिए खास तरह का फ़ायदा और इंसेंटिव देने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है। ये प्रत्येक राज्य स्तर पर की जा रही है ताकि कोई भी राज्य किसी भी स्तर पर कोई मौका न चूके।
प्रधानमंत्री कार्यालय, नीति आयोग और डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनेशनल ट्रेड यानी DPIIT ये तीनों मिलकर एक योजना तैयार कर रहे हैं जिनमें चीन से मैन्युफैक्चरर्स को भारत में अपने फैक्ट्रियाँ शिफ्ट करने पर इंसेंटिव देने का एक बहुत बड़ा कदम शामिल है। ये इंसेंटिव इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल डिवाइसेस की भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के इरादे से दिया जाएगा। पिछले वर्ष सितंबर 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स में बहुत बड़ी कटौती की गई थी, यानी कि अतिरिक्त इंसेंटिव देने से इंडिया में कंपटीटिव कैपेसिटी और पॉलिसी अब वियतनाम जैसी हो गई है। सरकार ने पिछले वर्ष सितंबर में कॉर्पोरेट टैक्स रेट को 35% से घटाकर 25.17% कर दिया है और बिना किसी इंसेंटिव के ये सिर्फ 22% है। नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए यह सिर्फ 15% का है जो पूरे साउथ एशिया देशों में सबसे कम है। कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती के साथ देश भर में लागू GST के साथ देश में निवेश की बहुत पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़ हैं। अकेले अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जेवर में एयरपोर्ट के पास ही 1700 एकड़ की ज़मीन पर मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स जोन MEZ लगाने की अनुमति दी गई है जिससे इलेक्ट्रॉनिक सिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा। यहाँ केवल LED, मोबाइल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े उद्योगों को ज़मीन दी जाएगी। इसी तरह मेडिकल और हेल्थ केयर के अलावा हर इंडस्ट्री के लिए ज़मीन अलग से अलॉट की जा रही है। भारत का पहले फोकस ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनने पर था, लेकिन अब सरकार की मंशा है कि देश को सप्लाई चेन के बड़े कंपोनेंट्स और फिनिश प्रोडक्ट्स का हब बनाया जाए। ये ट्रेंड है, समझिए, अगर इनमें से एक या दो कंपनियां भी इंडिया में आके अपना सेटअप लगा लेती हैं तो बाकी कंपनियों के लिए ये एक ट्रेंड सेटर जैसा हो जाएगा और उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं PLI और एम्प्लॉयमेंट पर। PLI स्कीम कंपनियों की सेल्स में इजाफा करने और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए दिए जाएंगे। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को अगले 5 साल में 40,995 करोड़ रुपये की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जाएगा। बल्क ड्रग और मेडिकल डिवाइस के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी विशेष पैकेज और इंसेंटिव पैकेज को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा नए प्लांट लगाने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भी ऐसे कई इंसेंटिव दिए जाएंगे। अब आती है बात एम्प्लॉयमेंट की। फिलहाल ये जल्दीबाजी होगी, फिर भी देश में अगर ऐसी 500 कंपनियां भी आ जाती हैं तो सरकार को लगभग 50,000 से 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। और अगर रोजगार की बात करें तो इनसे 15 से 20 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तौर पर होगा। अगर सही मॉल और इंफ्रास्ट्रक्चर मिले तो इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंपनियों के लिए इंडिया में बहुत मुश्किल नहीं है। सरकार अगर यहाँ तक आई है तो डेफिनेटली इसके आगे की भी प्लानिंग तय होगी। लेकिन इन सब का एक इम्पैक्ट समझिए, अगर ये इन्वेस्टमेंट होता है इंडिया में तो बहुत सारी जॉब क्रिएशन होगी। जॉब क्रिएशन होने की वजह से उन्हें बहुत बड़ा वर्कफोर्स चाहिए होगा जो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड प्रोफेशनल्स, इंजीनियर, हर तरीके के फील्ड का होगा। ये लोग इन नए लोकेशन पे अट्रैक्ट होंगे और इन नए लोकेशन पर आने के बाद वो अपने लिए एक स्टेबल प्लेस भी चाहेंगे रहने के लिए। ये कहीं ना कहीं रियल एस्टेट को बूस्ट करेगा, घरों की डिमांड को बढ़ाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए मेरे के साथ आने वाले एपिसोड्स में इंडियन नेटिवर्स का चैनल सब्सक्राइब करके। तब तक के लिए धन्यवाद।